तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? विश्वजीत को मैं काफ़ी महीनों से पहचानता हूँ रादर, और ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय, ही इज़ वेरी यंग, सो आई एम श्योर कि इंडस्ट्री में वो बहुत नाम कमाएगा, एंड ऑल माई बेस्ट विशेज टू हिम ऑन हिज बर्थडे। ये बर्थडे काफ़ी आपके लिए कुछ खास है आज, क्योंकि आपकी फिल्म रिलीज हुई है मणिकर्ण, और उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इतना बड़ा एक्साइटमेंट आपके लिए? बहुत एक्साइटमेंट था जब मणिकर्णिका के एक साल से सब मेहनत कर रहे थे और फाइनली वो फिल्म रिलीज़ हो रही है, सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, और जिस तरह के रिव्यूज़ आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब काम सराह रहे हैं, मेरा काम सराह रहे हैं, टीम में बाकी लोगों का काम सराह रहे हैं, सो आई जस्ट रिक्वेस्ट जिन्होंने फिल्म देखी नहीं है ज़रूर थिएटर में जाकर देखिए। किस तरह का एक्सपीरियंस? तो बड़े बजट की फिल्म देखी आपने, किस तरह एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब इट वॉज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस, क्योंकि बाजीराव मस्तानी में मैंने स्वॉर्ड फाइटिंग या घुड़सवारी नहीं की थी, लेकिन इसमें वो सब चांस मिला है मुझे, सो आई एम रियली वेरी हैप्पी, रियली वेरी एक्साइटेड कि जिन लोगों ने देखी नहीं उन्हें कैसी लगी ये फिल्म, एंड रिगार्डिंग द रिव्यूज़ और क्रिटिक्स के भी जो रिव्यूज़ है वो बहुत पॉजिटिव है, और द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिस वीकेंड का दैट इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। रनिंग प्रोजेक्ट क्या क्या है अभी? आई एम आई जस्ट डन ओरिजिनल्स फॉर वन ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हिंदी में है, और मेरी नेक्स्ट मराठी फिल्म पॉन्डिचेरी उसके लिए उसका शूटिंग अभी चालू होगा, फर्स्ट ऑफ फिफ्थ इन पॉन्डिचेरी, सो आई बी लीविंग टू पॉन्डिचेरी फ्रॉम यू। मेरा नाम केतकी पंडित मेहता है और मैं आनंद पंडित की सिस्टर हूँ, और मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, एड डायरेक्टर हूँ, ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट हूँ, फाउंडर यूथ टॉक्स जो मेरा एक इनिशिएटिव है, यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम्स मैं वो करती हूँ, और डायरेक्टर ऑफ आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स। क्या कहना चाहेंगे विश्वजीत के बर्थडे पहुँच से, कैसे विश करना चाहेंगे? आई विश हिम ऑल द सक्सेस, मुझे लगता है ही इज़ अ वेरी वाइब्रेंट एक्टर, ही इज़ वेरी अपकमिंग, ही हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी इन हिम, मुझे लगता है कि ही डिजर्व दैट सिल्वर स्क्रीन स्पेस, एंड आई एम लुकिंग फॉर टू वर्क विथ हिम। एक प्रोड्यूसर की नज़र से अगर बात करें कि आज किसी का बर्थडे होता है प्रोड्यूसर पहुँचते हैं सब, तो आप कोई ना कोई टैलेंट ढूंढ कर लेकर जाएंगे? मुझे लगता है कि विश्वजीत एक पावर पैक हाउस है, और अगर वो हमारे साथ किधर एसोसिएट हो गया, जो मैं और राहुल मेरा जो बहुत अच्छा दोस्त है, वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग टुगेदर, एंड आई एम श्योर दैट ही इज़ देयर, सो आई डोंट थिंक सो आई नीड टू लुक फॉर एनी अदर एक्टर राइट नाउ इन दिस पार्टी फॉर श्योर। आप क्या कहना चाहेंगे आज की पार्टी के बारे में, विश्वजीत के बारे में? वी डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड फॉर हिम, वी लुक फॉरवर्ड टू हैव हिम यू नो ऑन इन आवर, या सो वी ऑल्सो आई जस्ट टोल्ड हिम दैट आई एम under Keki Mehta films we are planning to produce few web series and I'm looking forward to have him on board. Yes, thank you. Birthday kaise wish karna chahenge aap? Main विश्वजीत का बर्थडे जो है वो ऐसे विश करना चाहूँगा कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू विश्वजीत, हैप्पी बर्थडे टू यू। विश्वजीत जो है बहुत ही प्यारा लड़का है, ये एक बहुत अच्छा एक्टर भी है, अगर आप लोगों को पता ना हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं तो एक्टर हूँ पर ये भी बहुत अच्छा एक्टर है, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा अच्छा काम करेगा ऐसी मुझे उम्मीद है, और इसके बर्थडे पार्टी में आने के बाद मेरे अंदर से बस एक ही लाइन निकल रही है, और वो लाइन है आई लाइक इट। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या प्रोफाइल क्या है विश्वजीत, क्या क्या? हाँ, विश्वजीत के बारे में, काम के बारे में अगर बॉलीवुड प्रोफाइल की बात करें, क्या क्या कर चुके हैं अभी? इनका म्यूज़िक वीडियो बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो म्यूज़िक वीडियो देखिए, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ये अपने मुंह से बताएं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। प्लीज़ विश्वजीत, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं तो बीड महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा हूँ। महाराष्ट्र से? यस। सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या था आपका, क्या क्या प्रोफाइल, आपने क्या क्या काम किया अभी तक? जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तभी तो मैंने सबसे पहले एक प्ले किया था मराठी, इट्स कॉल्ड वराड निकाले लंदन, और उसमें मैंने 56 कैरेक्टर किए थे लाइक सोलो प्ले,
और 56 कैरेक्टर। और अभी फिलहाल मैंने 2 साल पहले एक म्यूजिक वीडियो किया है कॉल्ड दिल बुद्ध, तो टी सीरीज ने रिलीज़ किया, बस अभी तक तो यही है। और बाकी श्योर ये साल तो 100% श्योर आएगा ही आएगा प्रोजेक्ट। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस साल में मैं एक नए सॉन्ग के पाता हूँ, बट अभी तक मैं बता नहीं सकता, बट आई एम कमिंग विद न्यू सॉन्ग। सर पिछले 3 साल में पहली बार ऐसा छोटा आर्टिस्ट, मतलब कम उम्र का आर्टिस्ट जिसका हम बर्थडे कर रहे हैं, सर्विसन मीडिया पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे प्लान हुआ सभी है? प्लान तो ऐसा कुछ प्लान नहीं हुआ, तो ऐसे कोई स्क्रिप्टेड तो था नहीं, तो लाइक सब कुछ हो गया जो अचानक से। मजे की बात ये है कि ये इनका 19वां बर्थडे है, पर ये जब मैंने इनको देखा तो मुझे लगा 15 साल का है ये, 15 साल से ज़्यादा बड़ा लगा नहीं है एक्चुअली, मुझे कुछ ज़्यादा ही यंग है। और हमारा फ्यूचर है, हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री का, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर है ये। और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आप अपना कोई एक आध गाना सुना सकते। टैलेंट है आपके अंदर, इस बात करें सिंगिंग डांस क्या क्या है? सर मैं गा तो नहीं सकता, लेकिन मैं थोड़ा बहुत डांस कर सकता हूँ और एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ, यही मैं कर सकता हूँ। तो अगला जो प्रोजेक्ट आएगा आप डांस में एक्टिंग में नजर आएंगे? सर मैं अगले में तो मैं डांस मूव्स में आऊँगा, जो मेरा अगला सॉन्ग होगा उसमें मैं डांस में आपको मेरे कुछ मैंने कुछ ट्राई किया तो आप देख सकते हैं। कुछ डांस की अगर बात करें? नहीं सर मैं सीख लिया किसी से। ये देखिए ये बहुत ही नेचुरल टैलेंट है, मतलब खुद ही आप जी हाँ, ये आप लोग ध्यान दें, बहुत ही नेचुरल टैलेंट है, यानी किसी से सीखा नहीं है इन्होंने डांसिंग। और कुछ नए डांस मूव्स हैं जो कि ये खुद इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ये बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है विश्वजीत की। अब और क्या कहना चाहेंगे विश्वजीत के बारे में बात करें आप? मैं तो यही कहूँगा कि सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि बहुत दिल से करता है कोई भी काम, और जो टैलेंट है वो बहुत ही नेचुरल है, थोपा हुआ नहीं है या फोर्स फिट नहीं है, बहुत ही नेचुरल टैलेंट है इसके अंदर। एक सधा हुआ कलाकार जो होता है वो हमेशा नेचुरल होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें कि आप सिंगिंग सीख लेंगे या आप एक्टिंग सीख लेंगे किसी से, वो बड़ा मुश्किल काम है एक्चुअली। जब तक आप में वो नेचुरल जर्म्स नहीं है आपके अंदर आपके खून में वो चीज़ नहीं है, तब तक आप उसको पॉलिश, एक्टिंग सीखने का मतलब ये हुआ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो नेचुरल जर्म्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बंदा ये कहे कि उसके अंदर नेचुरल टैलेंट नहीं है एक्टिंग का या सिंगिंग का और वो बहुत ही ग्रेट सिंगर या बहुत ग्रेट एक्टर बन जाएगा, तो मैं पूरी तरह से इसको रूल आउट करता हूँ। दैट इज़ जस्ट नॉट गोना हैपन, इट इज़ इम्पॉसिबल। वो नेचुरल टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, वो ऊपर वाला जो है ना कहीं पे, वो आपको दे के भेजता है, उसके साथ पैदा होते हो आप, उसके बाद आप उसको पॉलिश कर सकते हो। जो स्कूल्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो गुरुज हैं, वो लोग आपको कुछ एक डायरेक्शन दे सकते हैं, आप अपने नेचुरल टैलेंट को करेक्ट डायरेक्शन में ले जा सकते हो, उसको पॉलिश कर सकते हो, उसको मान सकते हो, उसको और साध सकते हो। तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है विश्वजीत की, कि बहुत ही नेचुरल टैलेंट जिसको कि ये बहुत ही अच्छे ढंग से अपने स्किल्स को होन कर रहा है, और आने वाले टाइम में ही इज़ गोइंग टू रॉक। आप अपने बारे में बताइए कुछ, आपके जो भाभी जी घर पे है सीरियल के एक्सपीरियंस और आपके न्यू आने जाने वाले प्रोजेक्ट बताइए। मेरे साथ तो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हो रही हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। एक तो मैंने अभी वेब सीरीज़ किया, उसका नाम है अपहरण, वो एकदम कल्ट वेब सीरीज़ है, कल्ट, ऑल्ट बालाजी पे आ रहा है, ALT ऑल्ट बालाजी। अपहरण एक ऐसा वेब सीरीज़ है जिसको अगर आपने पहला एपिसोड देख लिया तो आप पूरे के पूरे 12 एपिसोड देखेंगे, इतना सॉलिड उसका, इतना ग्रिपिंग स्टोरी है ना, इतना ग्रिपिंग स्टोरी और इतना वेल मेड है वो, इतना नेचुरल परफॉर्मेंस है उसमें, और जो स्क्रीन प्ले है और जो डायरेक्शन है, जो राइटिंग है, जो डायलॉग राइटिंग है, जो शूट किया है उसको, जो लोकेशंस हैं, जो कैमरा वर्क है, हर चीज़ बहुत ही सुपरलेटिव है, बहुत ही सुपर क्वालिटी की है, बहुत ही टॉप क्लास है। तो उसके लिए मुझे रोज़ हज़ारों मैसेजेज आ रहे हैं, तो वो एक मैंने किया है ऑल्ट बालाजी पे अपहरण। उसके अलावा मैंने सेक्रेट गेम्स किया है जिसमें कि मेरा पार्ट ख़त्म हो गया सीज़न 2, वो नेटफ्लिक्स पे आएगा। कब आएगा ये नेटफ्लिक्स ही अनाउंस करेगा, पर मैंने एज एन एक्टर काम किया है उसमें सीज़न 2 में, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैंने किया है। तो सीज़न 2 जब भी आएगा उसमें आप मेरा काम देख सकते हैं, मेरा बहुत ही अच्छा पैरेलल लीड है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, तो वो
एक मैंने किया है, भाभी जी तो चले रहा है, उसके अलावा पटाखा अमेजोन प्राइम वीडियो पे आ गया है। पटाखा में मेरा लीडिंग कैरेक्टर है जो कि विशाल भारद्वाज नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है, उन्होंने वो फिल्म डायरेक्ट की है, तो उसमें मेरा बहुत ही माइंड ब्लोइंग रोल है। और उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे जैसे होता जाएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता जाऊंगा। और यही कहूंगा कि अभी प्रेजेंटली जो कुछ भी मेरे करियर में हो रहा है, मैं दिल से ऊपर वाले का एहसान मंद हूँ, क्योंकि वो मेरे ऊपर ख़ास कृपा बना के रखी है उन्होंने, और आप लोगों का एहसान मंद हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं हैं। मेरी एक्टिंग का एकमात्र मकसद ये है कि मैं अपने दर्शकों को हमेशा एंटरटेन करना चाहता हूँ, और जितने ज़्यादा लोगों को मैं एंटरटेन कर पाऊँ, यही रीज़न है कि मैं सिर्फ भाभी जी घर पर नहीं करता हूँ। हालाँकि भाभी जी घर पर एक आइकॉनिक शो है, आज तक ऐसा शो कभी बना नहीं, उसको ऑल टाइम बेस्ट कॉमिक सीरीज़ की रेटिंग मिली हुई है, फिर भी मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं सिर्फ भाभी जी करूँगा तो मैं उतने दर्शकों तक नहीं पहुँच पाऊँगा जितना कि मैं सीक्रेट गेम्स करके पहुँच रहा हूँ। जैसे कि सीक्रेट गेम्स नेटफ्लिक्स 190 कंट्रीज़ 190 देशों में नेटफ्लिक्स जाता है और वहाँ पर सीक्रेट गेम्स दिखाया जाता है, तो भाभी जी 190 देशों में नहीं जाता, तो इसलिए मुझे अलग अलग प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे ताकि मैं दुनिया भर के दर्शकों तक पहुँच सकूँ, उनको एंटरटेन कर सकूँ। और मेरा एकमात्र मकसद यही है कि दुनिया भर के दर्शकों को खुश करना, उनको एंटरटेन करना, और सब लोग दिल से जब भी मेरा कोई काम देखें तो वो बोलें आई लाइक इट। थैंक यू सो मच। हेलो, मैं प्रार्थना बहरे, आज विश्वजीत का बर्थडे है इसलिए उसे विश करने उसके बर्थडे के लिए हम आए हैं। और क्या कहूँ, विश्वजीत के मैंने प्ले देखे हुए हैं मराठी प्ले, उसने बहुत अच्छे किए और बहुत अच्छा एक्टर है, इसलिए उसे बधाई देने आए कि उसकी नेक्स्ट फ्यूचर में भी वो अच्छी इसी तरह से अच्छी अच्छी फिल्म्स करे और अपना नाम रोशन करे, अपने पापा का नाम रोशन करे। तो क्या कहना चाहिए विश्वजीत के बारे में, कम उम्र में इतनी बड़ी काम कर रहे हैं, एल्बम वगैरह आई काफ़ी हिट रही है, क्या कहना चाहिए उसके बारे में? वही बताया मैंने कि उनका प्ले मैंने देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छे एक्टर है, इसलिए आगे भी वो इसी तरह से एक्टिंग करेंगे और फ्यूचर में भी उनके सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द बेस्ट। और क्या कहूँ, हाय मैं अभिषेक, मैं विश्वजीत को 2 साल से जानता हूँ और बहुत अच्छा एक्टर है, आई हैव सीन हिज प्ले एंड आई हैव सीन द सॉन्ग दिल बुद्धू, उसमें तो काफ़ी बच्चा लगता था, अभी बड़ा हो रहा है, एंड आई नो हिज लाइन अप ऑफ वर्क ऑल्सो, सो माई बेस्ट विशेज फॉर द बर्थडे एंड फॉर हिज फ्यूचर वर्क। सो हम लोग उसके लिए आए बर्थडे सेलिब्रेट करने विश्वजीत के साथ, जो अभी एकदम से बहुत काफ़ी बड़ा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अनुराधा मुखर्जी है और मैं कैलकटा से हूँ। जी मैं अनुराधा मुखर्जी हूँ, मैं कैलकटा से हूँ, मैंने थिएटर किया है और रिसेंटली मैंने एक बंगाली फीचर कंप्लीट किया है, उसका नाम है स्वेटर, जो जल्दी थिएटर में आने वाला है मार्च और अप्रैल में। और मैंने मराठी एक फिल्म किया है वो भी 2015 में, जिसका नाम है जानीवा, जिसमें महेश मांजरेकर के बेटे थे सत्या मांजरेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू विश विश्वजीत हैप्पी बर्थडे, और उसने अभी तक जो अचीव किया है टी सीरीज़ के साथ, जो म्यूज़िक वीडियो किया है, उसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहती हूँ, बहुत अच्छा लगा ये जान के, और उसके बर्थडे पे आई हूँ तो अच्छा लगा। और बताओ आपको कैसा लगा है आपके बर्थडे पे, व्हाट इज़ योर फ्यूचर एजेंडा? द फ्यूचर एजेंडा इज़ लाइक कि अभी तो नाउ आई एम इन द प्रेजेंट, सो आई फील वेरी ग्रेटफुल कि ये सब लोग की विशेज आ रही है, सब फोन्स आ रहे हैं, अच्छा, I'm feeling so, like, you know, the blessed, so that's the thing. You want to ask me anything? You can ask. Okay. You can ask me anything. अपने बारे में मैंने सब कुछ बोल दिया, क्या जानना चाहती है? Okay, मैं थिएटर से बिलोंग करती हूँ, आपने अतुल कुमार का नाम सुना होगा, तो उनके जो साथ डायरेक्ट करते हैं आमितोष नागपाल, जो इस साल हिंदी मीडियम के राइटर भी थे, तो उनके साथ मैं थिएटर करती हूँ, थिएटर का नाम है टेली ट्यूसडे, जो लास्ट ईयर आया था पृथ्वी में, इस साल भी आने वाला है। और मैंने आनंद पंडित और रश्मि शर्मा के साथ एक हिंदी फीचर किया, उसका नाम है डेज ऑफ तफरी, जो छेलो दिवस जो गुजराती मूवी थी उसका हिंदी रिमेक था, आई होप आप लोग जानते होंगे। और इसके अलावा वही बोला मैंने, बंगाली फीचर आने वाला है और विश्व वापस करेंगे आप और विश्व
अजीत, विश यू अ हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. थैंक यू. और आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए जो आप करना चाहते हो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक. और थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. विश्वजीत का जन्मदिन है आज. विश्वजीत का जन्मदिन है, उसको मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ दिस डे. हैप्पी बर्थडे टू यू विश्वजीत. बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं. ज़िंदगी में हर चीज़ और हर सुख समृद्धि जो भी है वो हासिल करे और उसका सक्सेस, हेल्थ वेल्थ बहुत अच्छे से वो प्रोग्रेस करे. और वो रूरल एरिया से आया हुआ है तो उसका जो फ्यूचर है एकदम ब्राइट है और ब्राइट होना चाहिए और वो करेगा. तो विश्वजीत ने एल्बम किया है, प्ले किया है, इस साल आप उनको कहाँ देखना चाहेंगे? फिल्म में ऑफ कोर्स. मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि सभी मेरी स्पेशली मेरी फैमिली का प्यार तो है ही है और सभी लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है. सब लोग, जितने सारे लोग आए मेरे लिए, और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू और थैंक्स टू यू गाइस कि आप लोग भी मुझे, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम, मैं तो फर्स्ट टाइम आज मीडिया में आ चुका हूँ तो दिस इज़ आई थिंक आपको वेलकम करना चाहिए. मैं आपका परिचय, आपका नाम? हाँ, मैं बाबूराव पोटभरे, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ. मैंने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष करके हम यहाँ तक आए हैं. और विश्वजीत मेरा बेटा है. विश्वजीत एक टैलेंटेड एक्टर है और उसने जो पहले शुरुआत में मराठी एक ड्रामा प्ले किया था उसका नाम था वराड निगाले लंडन ला, कि जो विश्व में परिचित था. उसने वराड निगाले लंडन ला ऐसा गोपीनाथ जी मुंडे के साथ और किरण खेर के साथ एक ड्रामा प्ले किया था. तो उसका सक्सेस होने के बाद टी सीरीज ने उसे दिल बुद्धू के नाम से लॉन्च किया और दिल बुद्धू एल्बम उसका आ गया. मुझे लगता है कि विश्वजीत का जो टैलेंट है वो टैलेंट बिल्कुल एकदम वो टैलेंट खड़ा उतरा है और विश्वजीत आगे बहुत बड़ा स्टार हो जाएगा. जो स्टार बनने के लिए जितने भी क्वालिटीज़ है वो क्वालिटीज़ विश्वजीत में है और मुझे उसका अभिमान है कि विश्वजीत एक स्टार बनने के लायक है और बड़ा स्टार बनने के लायक है. वो धीरे धीरे से उसकी प्रगति कर रहा है जितना भी हमसे होगा. और मेरे जो कॉन्टैक्ट है, मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट है उतने कॉन्टैक्ट मैं उसके लिए यूज़ करूँगा. और महाराष्ट्र के प्रोडक्शन में, फिल्म क्षेत्र में या सोशल क्षेत्र में मेरे जितने, मैं सभी को जानता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में भी सभी को जानता हूँ और मुझे भी सब पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती है, सोशल वर्क के कारण मुझे जानती है. तो विश्वजीत के लिए जितना भी उसके लिए करने का है उतना मैं करूँगा और विश्वजीत को एक कामयाब एक्टर बनाने के लिए मेरी तरफ से कोशिश करूँगा. विश्वजीत जो है एक कलाकार ही बनना चाहते थे, किसी और फील्ड में जाना चाहते थे आपने? मैं विश्वजीत बचपन से ही कलाकार ही बनना चाहता था, लेकिन विश्वजीत को जो टी सीरीज़ ने प्लेटफॉर्म दिया, दिल बुद्धू नाम की जो वीडियो टी सीरीज़ ने लॉन्च किया, और टी सीरीज़ का मैं धन्यवाद मानता हूँ क्योंकि टी सीरीज़ ने इतना छोटे उम्र में अभी तक किसी को ही इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया नहीं, लेकिन टी सीरीज़ ने विश्वजीत के 16वें साल में विश्वजीत को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है और विश्वजीत के टैलेंट की वजह से ही दिया है. कि विश्वजीत में जो टैलेंट है, विश्वजीत को अगर वीडियो देखेंगे आप लोग, विश्वजीत के पूरे वीडियो अगर आप देखेंगे तो विश्वजीत का टैलेंट आपको नज़र आएगा. बात करें जी, मेरा तो बचपन से ही वही था. लाइक जब मैं फर्स्ट केजी में था तब से मैं डांस करते आ रहा हूँ, तो वो तो लाइक यू नो जो होता है ना वो बचपन का कीड़ा, तो वो तब से ही मेरे अंदर ही था. तो दैट्स अपना आइडियल किसको मानते हैं आप? कि अभी भी ज़्यादा बड़े तो नहीं कह सकते आप, तो उसको देखकर जैसे तो मैं सभी मेरे फेवरेट एक्टर हैं तो मैंने सबको अलग अलग रखा. लाइक द मोस्ट प्रोबेबली आई से टू मिस्टर आमिर खान सर, उनका मैं उनसे बहुत इंस्पिरेशन होता हूँ, और शाहरुख खान दोनों, मतलब वो एक लाइक एक नंबर. क्या कहना है, कितनी बड़ी खुशी का दिन आज आपके भाई है जो उसका बर्थडे है और काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हैं इंडस्ट्री के. हाँ, बहुत मतलब खुशी हो रही है, प्राउड फील हो रहा है. सिस्टर एक्टिंग की बात करें, आपको पहले ही पता
पता था कि ये एक दिन बड़ा काफ़ी ऊपर तक जाएंगे? हाँ पता था, क्योंकि बचपन से ही मतलब ये था उसका ड्रीम था। वो दोनों सेम एज के हैं। आज कैसे विश करना चाहेंगे अपने भाई को? आज इतनी बड़ी पार्टी है, राइजिंग स्टार बने आगे जाकर, मतलब बहुत बड़ा स्टार बने, यही विश है। गॉड ब्लेसिंग। लंदन ला उसको वो एक्टिंग करके बता था वो मुझे। आगे क्या प्लान है आपके बच्चे को लेकर, कि फिल्मों में या एल्बम में या फिर? अच्छा करियर करेगा, बड़ा स्टार बनेगा, उसके साथ हम सबकी शुभकामनाएं हैं। मराठी इंडस्ट्री से है, मराठी में काम करेंगे क्या विश्वजीत? अभी तो मराठी में नहीं करेंगे। विश्वजीत को मराठी में जाना नहीं है, अभी तो मराठी में जाना नहीं है। मराठी के बहुत सारे ऑफर आ चुके हैं विश्वजीत के लिए, कि विश्वजीत को अगर कोई भी देखेगा, विश्वजीत को विश्वजीत का यूट्यूब में देखेगा, विश्वजीत को अगर उसके साइट पे देखेगा, तो सब लोग देखते हैं विश्वजीत को कि वराट नेगालो लंदन ला जो विश्वजीत ने प्ले किया है, वो प्ले मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्ले है। और वो खुद ये इस देश के ग्राम विकास मंत्री गोपीनाथ जी मुंडे ने उसको अरेंज किया था, और किरण खेर उसमें वो भी उन्होंने भी अरेंज किया था, दोनों ने मिलकर अरेंज किया था। तो विश्वजीत वराट निकाला लंदन ला जो इतना 56 कैरेक्टर अकेले ने किया है, और वो देख के मराठी इंडस्ट्री के लोग मेरे पास भी आए थे, विश्वजीत के पास भी संपर्क किया था, लेकिन हम इसी वक्त तो मराठी का कोई सोच नहीं है, विश्वजीत को हिंदी में ही इंटरेस्ट है, और उसे हिंदी में हम हिंदी का एक्टर बनाना चाहते हैं। आखिरी सवाल, अगला प्रोजेक्ट क्या है? विश्वजीत अभी एक गाना कर रहा है, एक रोमांटिक गाना है, रोमांटिक गाना हो चुका है, अभी एक धमाकेदार गाना विश्वजीत का आ जाएगा, एक महीने में आ जाएगा। और वो मुझे मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई टी सीरीज या कोई जी वाले से आएगा, वो कोई से भी आएगा, लेकिन बढ़िया सॉन्ग आ जाएगा, और उसके बाद फिल्म का देख लेंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। Happy birthday, many happy returns of the day. I am so happy that